नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन के लिए टलने के बाद अब नए सिरे से प्रोटोकॉल आ गया, जिसके तहत आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 घंटे रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 2:25 पर दिन में जहानागंज ब्लॉक के अकबेलपुर स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। यहाँ से 5 मिनट में अकबेलपुर ग्राम पंचायत में आयोजित होने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। करीब 1 घंटे का यहाँ पर उनका कार्यक्रम है। 2:30 से 3:30 तक यहाँ रहेंगे। इसके बाद 3:40 पर वह महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय पर पहुंचेंगे। यहां निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अन्य कार्यों की समीक्षा करेंगे। करीब 1/2 घंटे तक यहां रहेंगे। यहां से 4:10 पर निकलेंगे और 10 मिनट में अकबेलपुर स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 4:25 पर मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे। कप्तानगंज से खबर है, जहां अपहृता को बेचने वाली एक महिला गिरफ्तार हुई है। पूर्व में इस मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 21 मई 2023 को वादी मुकदमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित दरिया के दिनांक 20/5/2023 को समय लगभग 5 बजे वादी का परिवार सोकर उठे तो देखे कि वादी की नाबालिग भतीजी घर में मौजूद नहीं है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब नहीं मिली के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो उस महिला को गिरफ्तार किया जो अपहृता को बेचने वाली थी। एक मुफ्त समाधान योजना के तहत मेगा कैंप में 37 उपभोक्ताओं को मिला ओटीएस को लाभ। बता दें कि बुधवार को दिन में 11 बजे अतरौलिया स्थित केसरी सिंह चौक पर बिजली विभाग की ओर से बकायेदारों की सहूलियत के लिए एक मुफ्त समाधान योजना के मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इसके तहत शिविर लगाया गया, जहां बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट दी जा रही है। इस दौरान ओटीएस पर बिल संशोधन भी किया जा रहा है। वहीं पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी ओटीएस सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। आज के इस कैंप में 37 बिजली के उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ उठाया। वही 2 लाख रुपए की राजस्व वसूली भी हुई। कैंप में मौजूद अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं का निवारण भी किया गया। उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राव ने बताया कि शासन के निर्देश पर विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी सभी जगह कैंप आयोजित कराए जा रहे हैं। इसमें ओटीएस योजना के तहत बकाए विद्युत बिल के समस्त चार्ज समाप्त कर दिया जा रहा है। केवल मूल बिल की जमा नहीं करनी होगी। यही नहीं, अब की बार एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उन बकायेदारों को भी दिया जा रहा है जो विद्युत चोरी में पकड़े गए थे। ऐसे लोगों के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर। उन्होंने बताया कि अपने समस्त बिल बकाए का 30% राशि जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं। यह योजना 15 दिसंबर तक रहेगी। इसके बाद एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जो अपना पंजीकरण करा चुके हों उसको इसका लाभ मिलेगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु राजर अभियान के तहत आज तैबरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तैबरपुर पुलिस ने किशोरी से छिड़खाने करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 23 नवंबर को पीड़ित द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी ने वादनी की मेरी पीड़ित लड़की मेरी लड़की के साथ छिड़खाने की तथा अगवा कर रही कर कहीं छोड़कर आया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज उससे सर्वेश यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आजमगढ़ जनपद की कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी गए मोबाइल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिस मोबाइल को चोरी किया गया था उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये थी। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु राजर अभियान के तहत सौर कुमार गुप्ता पुत्र नवीन कुमार गुप्ता मोहल्ला सिविल लाइन थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की कचहरी गेट नंबर 8 के सामने वादी की मोबाइल की दुकान से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल फोन जिसकी लगभग कीमत 40,000 रुपये थी को चुरा लिया गया है। के संबंध में कोतवाली पुलिस मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जीरपुर पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 11 दिसंबर 2023 को बादनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी मुकेश राजभर पुत्र जीतू राजभर ग्राम भुवना बुजुर्ग थाना जीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरे साथ छिड़खानी करते हुए मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया
और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील क्षेत्र के श्रीकांतपुर गांव में बुधवार को गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। दरअसल गांव निवासी प्रत्यांजय यादव ने गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको लेकर शिकायत की जांच के लिए परियोजना अधिकारी बुधवार को पहुंचने वाले थे, लेकिन सीएम के आधे कार्यक्रम को लेकर व्यस्त होने के चलते जांच करने नहीं पहुंच सके। शिकायतकर्ता प्रत्यांजय यादव ने बताया कि ग्राम प्रधान पर शौचालय निर्माण व आवंटन, पंचायत भवन निर्माण, पोखरी सुनहरीकरण, सड़क सहित तमाम विकास के कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया गया। कहा कि जांच यदि सही से हो जाए तो ग्राम प्रधान की कथनी व करने का पता चल जाएगा। तो वहीं श्रीकांतपुर गांव के प्रधान पंचम सोनकर ने बताया कि कुछ विरोधी शिकायत करते रहते हैं, अधिकारी जाँच के लिए आएंगे तो दूध का दूध पाने का पानी हो जाएगा। फिलहाल अधिकारी जाँच के लिए नहीं आए, अगली तारीख में आने की उम्मीद है। फिलहाल जो भी हो, आए दिन ग्राम प्रधानों पर विकास कार्यों में अनदेखे व मानक के अनुरूप कार्य न कराने और पैसों के गबन का आरोप लगता रहता है। अब श्रीकांतपुर गांव में जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर शिकायत में कितनी सच्चाई है और ग्राम प्रधान कितने दूध के धुले हैं। पंचम सुनकर कौन सा ब्लॉक पड़ता है? रानी की ग्राम सभा कौन? ग्राम सभा श्रीकांत श्रीकांतपुर के प्रधान है। सर आज जांच आने वाली थी आपके यहाँ जी, तो क्या हुआ? जांच आने वाली थी, टाइम नहीं मिला, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, उसमें आ नहीं पाए। किस किस चीज़ की जांच थी लगभग? वो तो गांव के दिए हैं लोग, जो उनको समझ में आ रहा है, कुछ विरोधी हमारे यहाँ लोग अपने देते हैं, वो तो आएंगे तो खुद ही समझ में आएगा, तो देखेंगे, जांच करेंगे, दूध का दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। सही, उसमें हम क्या बताएँ। अच्छा, अभी तिथि अगली घोषित की जाएगी जी। ठीक है, हमारा नाम प्रत्यांजय यादव, ग्राम सभा श्रीकांतपुर, ब्लॉक रानी सराय। तो आपके द्वारा शिकायत की गई थी, क्या शिकायत थी? शिकायत आवास के लेके, मनरेगा रास्ता लेके, शौचालय लेके, पंचायत भवन को लेके, यही सब शिकायत थी। मनरेगा का हर काम लेके, पोखरी को लेके। तो आज कोई अधिकारी भी जांच करने के लिए आ रहे थे? पीडी साहब आने वाले थे, किसी कारणवश व्यस्त हो गए, नहीं आए हैं। उनसे बात हुई है, वो कहे हैं कि हम अगले दिन फिर डेट निस्तारित करके बताएंगे, निश्चित करके। तो वो अगले दिन आएंगे जी। ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश के क्रम में आज विकासखंड जहरागंज के ग्राम पंचायत अकबेरपुर में रोड के दोनों तरफ साफ सफाई किया गया और इटौरा जिले तक छतवारा बाजार, हाइडिल चौराहा, बवाली मोड़, करतालपुर चौराहे तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई किया गया। आसपास के लोगों को बताया भी गया कि आप लोग घर से निकले तो झोला करने के लिए पॉलिथीन का प्रयोग न करें। सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जगह जगह कचरा हटाया गया, दवाज का छिड़काव किया गया। आदित्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरा को देखते हुए कहाँ कहाँ साफ सफाई किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा को देखते हुए श्रीमान जिला पंचायत राजाधिकारी महोदय जी के मार्गदर्शन पर चंडेश्वर बाजार से इटौरा मोड़ होते हुए अकबेरपुर तक कार्यक्रम स्थल तक सफाई कर्मचारियों, लगभग 1000 सफाई कर्मचारियों लगे हुए हैं। जो रोड के किनारे कूड़ा है उसको हटाया जा रहा है, जो प्लास्टिक है उसको एकत्रित किया जा रहा है और कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई सुनिश्चित की जा रही है। सहायक विकास पंचायत महोदय के आदेश क्रम में विकास खंड पट्टी के सभी कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई करके सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के तत्वावधान में स्वच्छता जन जागृति दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित स्वच्छता जन जागृति दिवस के उपलक्ष्य में स्वस्थ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों व नगर पंचायत के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल ने कहा कि स्वस्थ वातावरण से ही लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। जितना लोग अपने आप को स्वस्थ रखेंगे उतना ही वह बीमारियों से दूर रहेंगे। नगर पंचायत को स्वच्छ व हरा भरा रखने की हम सभी को जिम्मेदारी है। इस मौके पर समिति के सदस्यों को कैप, टी शर्ट, आई कार्ड व प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। समिति को डोर टू डोर व्यवस्था लागू कराना और सफाई कर्मचारियों से समन्वय बनाकर नाले, नालियों और सड़कों की सफाई कराना, शौचालय निर्माण और पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, वार्ड में स्थित शैक्षिक व अन्य संसाधनों में स्वच्छता जागरूकता का संदेश देना,
केवल सरकारी तंत्र के भरोसे संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित नहीं की जा सकती, इसके लिए आम जनमानस की सहभागिता जरूरी है। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति सरकारी तंत्र और जनता के बीच सेतु का काम करेगी। इन समितियों के गठन के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए हैं, इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी समिति के सदस्य मौजूद रहे। नगर पंचायत अतरौलिया में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति को सम्मानित किया गया है, ये क्या है और इसके बारे में बताइए। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का पुनर्गठन माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा किया गया है। जैसा कि मैं नगर पंचायत में कंप्यूटर पट पे कार्यरत भी हूँ और साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण समिति का एक सदस्य भी हूँ। आज माननीय मंत्री जी द्वारा लाइव प्रसारण किया गया और सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया, उनको एक टी शर्ट और एक टोपी और एक बिल्ला उनको प्रदान किया गया है, ताकि वो अपने वार्ड में एक संकल्प एक जन आंदोलन उन्होंने फिर से छेड़ दिया है कि अपने नगर को साफ और स्वच्छ और सुंदर रखें और अपना उत्तर प्रदेश भी को नंबर एक बनाएं। ये उनका विजन है जो पिछले कई सालों से लेकर चल रहे हैं और उसमें लगभग सफल भी हमारी जनता जो है उनको कर रही है। इसका पुनर्गठन हुआ है, इनका मेन मकसद क्या है कि इसका इस स्वच्छ वातावरण समिति का मेन गठन ये है कि हर एक वार्ड से, यानी 11 वार्ड हैं, 11 वार्ड में 7 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष और टोटल 6 सदस्य रहेंगे। उन सदस्यों का समिति का काम ये है कि अगर नगर में कोई भी गंदगी हो रही है, कोई साफ सफाई कोई दिक्कत हो रही है, तो वो एक स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का ग्रुप भी बनाया गया है, उसमें आप अवगत करा सकते हैं, उसका निस्तारण तुरंत किया जाना है। माननीय मंत्री जी का ही उद्देश्य है जिसका पालन नगर पंचायत रोलिया में किया गया है। ग्रुप को भी बनाया गया है, ग्रुप में कोई भी अगर कंप्लेंट किसी सदस्य द्वारा की जाती है उसको तत्काल निस्तारण भी किया जाता है। मेन यही उद्देश्य है इस स्वच्छ वातावरण समिति का बनाने का। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दबंग लाठी डंडों से जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंचे गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है TV20 न्यूज पर, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसमें कई लोग घायल हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही वीडियो को संज्ञान में लिए एसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दबंग लाठी डंडे से इसमें जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंचे गांव का यह मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। ये कल पानी निकलने को लेके और उसमें नाली बनने को लेके वहाँ पे आपस में दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही थी, जिसमें सहमति नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, तो इस प्रकरण में थाने पर तहरीर दोनों पक्षों की तरफ से प्राप्त हुई। दोनों का मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। एक तरफ से 4 लोग नामजद हैं, दूसरी तरफ से 5 लोग नामजद हैं। इनको मेडिकल के लिए भिजवाए, शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मोहम्मदपुर ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार विश्वकर्मा और बबलू ने बीती रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात कर रानीपुर रजमो ग्राम में मिनी स्टेडियम बनवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमारे ब्लॉक के क्षेत्र में बच्चों को खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात स्वीकार करते हुए कहा कि बहुत जल्द आजमगढ़ जनपद के रानीपुर रजमो में स्टेडियम बनाने का आदेश दिया जाएगा और अवंतिकापुरी के सुंदरीकरण का आदेश दिया है। वहीं आज ब्लॉक सभागार में मोहम्मदपुर ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार विश्वकर्मा और बबलू ने जानकारी दिया है कि बहुत जल्द उक्त स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा और इस अवसर पर दीनू विश्वकर्मा, काजू विश्वकर्मा, हरिराम विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए इस मामले में क्या कुछ जानकारी दिए हैं ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार विश्वकर्मा ने, सुनिए। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर आजमगढ़। सर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, क्या क्या विकास के लिए रहे हैं आप? मैं कल शाम को माननीय परमाचारी श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिला हूं और महाराज जी ने कहा है कि मैं अंतिकापुरी आवक के सुंदरीकरण के लिए मांग किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको तुरंत तत्काल कराऊंगा। जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, इसी के साथ मेरे ब्लॉक क्षेत्र में रानीपुर रजमो ग्राम सभा में
मैंने मिनी स्टेडियम के लिए मांग किया, उसके लिए भी महाराज जी ने कहा कि तुरंत इसको भी आदेश देता हूँ। और इस क्षेत्र की जनता में एकदम लहर पैदा हो गई है, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां शादी में हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए, वहीं सड़क पर जमकर मारपीट भी की गई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक सड़क पर लाठी डंडे व बेल्ट से लैस लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है व पूरे मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत के शहर का यह मामला बताया जा रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डीजे पर नाचने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। अब इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी दी है पर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने, सुनिए। लड़के बेल्ट लाठी डंडे से लैस होकर सड़क पे जाते दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी को मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग सड़क पर भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली की सौंपी गई, जांच रिपोर्ट आने के उपरांत शीघ्र इन लोगों के विरुद्ध जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय के गुहार लगाने आए पीड़ितों ने विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम बालचंद राजभर पुत्र स्वर्गीय राम भरोसा राजभर ग्राम अतरडीहा पोस्ट पिछड़ी थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ का निवासी हूं। वह इसने बताया कि हम पीड़ित का मौजा अमिलो तप्पा विरोजपुर परगना मोहम्मदाबाद तहसील सदर आजमगढ़ जिला घाटा संख्या 1592 व घाटा संख्या 1706 दोनों घाटों में 13 बिसवा की जमीन का सौदा 3 करोड़ रुपए में करीब एक साल पहले तय हुआ था, जिसमें हम पीड़ित को करीब 1,32,50,000 रुपए बतौर बयाना विक्रेता के पुत्रगढ़ अफाक जफर व बदरे जफर पुत्रगढ़ जफर हसनैन व बुनतारा पुत्री अशफाक जफर के खाते में ट्रांसफर किया गया है। पीड़ित द्वारा बार बार कहने पर अपना पूरा पैसा ले लो, हम पीड़ित की रजिस्ट्री बनामा कर दो, लेकिन बार बार आनाकानी करता रहा। हम पीड़ित को पता चला है कि विक्रेता द्वारा किसी दूसरे को बैनामा करने के फिराक में है। इसी बातों को लेकर मेरी पत्नी बीमार हो गई, जिसके कारण करीब एक महीना पहले इसकी मृत्यु हो चुकी है और हम पीड़ित को दबाव बनाने पर हम पीड़ित को जान से मारने की भी धमकी दे चुका है, जिसका शिकायती पत्र हमने उच्च अधिकारियों को दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कार्रवाई होने पर जमीन बैनामा करने के लिए तैयार हुआ है और फिर हीला हवाली कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा बालचंद राजभर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरडीहा का। कौन सा थाना है? मुबारकपुर। क्या मामला है एसपी कार्यालय पर? एसपी कार्यालय पर इस मामला है कि मैं जमीन लिया था जिसे उसको मान लो अभी थोड़ा थोड़ा करके बेचने के लिए लिया था, उसको बेच रहे थे और उसके बाद वो उसको पैसा दिया 1,32,00,000 रुपये उसको दिए हैं और उसके बाद वो जमीन लिखने के लिए आनाकानी कर रहा है, फिर उसके बाद नहीं लिख रहा है और इसके पहले मुझे जान से मारने के लिए धमकी दिए थे, 2 करोड़ रुपया मांग रहे थे, बोल रहे थे कि अगर जो नहीं दोगे 2 करोड़ रुपया तो हम तुम्हारे बाल बच्चे को उठा ले जाएंगे। आप किसको पैसा दिए थे, क्या नाम है उनका? उसका जफर नाम। अफाक जफर। और कौन लोग हैं जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जो जान से मारने के लिए धमकी दिए थे वो मलालू है, एक प्रजापति है, आलम है वो भी है और जफर भी है। ये लोग जो इसमें जिसका इसमें नाम है, ये लोग मारने के लिए मुझे धमकी दिए थे, इसलिए जमीन के वो बोले थे कि अगर जो जमीन छोड़कर भाग जाओ नहीं तो हम अपना खुद जमीन बेचेंगे। तो जमीन किसकी है? जमीन जफर की है, हसनैन जफर। आप एग्रीमेंट कराए थे? एग्रीमेंट नहीं हुआ था, पैसे वो सऊदी रहता था, वो पैसे लिया था। अच्छा, साबुत है मेरे पल्ले पैसे का। अच्छा, आप दिए थे? हाँ, खाते से दिया हूँ पैसे, तो खाते का साबुत है पूरे। अच्छा, तो इसमें आप थाने पर गए थे? थाने पर गया था। तो क्या बोले थानेदार? थाने से बोला था कि वो बोले थे साहब कि होगा अभी, एक बार बोले थे होगा, फिर उसके बाद गया बुलाएं 1 घंटे के बाद आना, 1 घंटे के बाद गए, वो बोले फिर कि बाद में अभी चलो हम सोचेंगे तो बताएंगे, एसओ साहब के पास हम गए थे। अच्छा, तो यहाँ कप्तान साहब ये क्या बोले? ये तो बोले थे कि हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप?
हम सोच रहे हैं कि किसी तरह हम पैसे दिए हैं तो वो अपना उसी तरह लिख ले, लिखते चला जा, पैसा लेते चला जा, अपना 20 दिन 25 दिन 1 महीना लगेगा उसके अंदर पूरा पैसा ले ले, परमिट कटा ले। ठीक, हम तो तैयार हैं उसके पे। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां वरिष्ठ साहित्यकार श्रमिक नेता प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी के घोरठ स्थित आवास पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा व्यवसाय एवं प्रमुख समाज सेवी संतोष चतुर्वेदी का सारस्वत सम्मान ब्रिंच ऑफ मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम वरिष्ठ साहित्यकार श्रमिक नेता प्रभु नारायण पांडे एवं ब्रिंच ऑफ मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मान पत्र एवं एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजय कुमार पांडे द्वारा वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया भेंट एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के संरक्षक साहित्यकार प्रभु नारायण पांडे प्रेमी द्वारा बाबा भोलेनाथ की स्तुति रुद्राष्टकम से आशीर्वाद दिया गया। वहीं बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा कि संतोष चतुर्वेदी व्यवसाय होते हुए भी गरीबों असहायों की जो मदद करते हैं वह बहुत ही सराहनीय है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव साहित्य संजय कुमार पांडे ने कहा कि व्यवसाय होते हुए भी सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है, ऐसे युवा समाज सेवी अपने सामाजिक कार्यों से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। वहीं अपने सम्मान से अभिभूत होकर युवा समाज सेवी श्री संतोष चतुर्वेदी ने कहा कि आज मुझे जो सम्मान दिया गया है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, वहीं भविष्य में संगठन को जहां भी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। इस अवसर पर शिवम पांडे, शिव पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मनोज पांडे एवं समाजसेवी सुशील पांडे उपस्थित रहे। अंत में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के तहसील महनगर के प्रभारी सुशील पांडे ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने, किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की गई है तथा सरकार को इसके प्रति जगाया भी गया है। वहीं आपको बता दें, इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज पूरे देश में गाजीपुर किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों से सरकारों ने उनकी मांगों को पूरा करने को कहते हुए आंदोलन स्थगित करा दिया था, लेकिन आज एक वर्ष पूरा होने पर भी सरकार अपना कोई भी वादा पूर्ण नहीं कर पाई है। इसी से खफा होकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सरकार को जगाने के लिए और उसको उसके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए उपजिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर आत्मा योजना के अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुमन, चौधरी किशन सिंह, अमनप्रीत सिंह आदि किसान मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है किसानों ने, सुनिए। जो धरना खत्म हुआ था और जो 3 करोड़ काले करोन 13 महीने 14 महीने जो दिल्ली के चारों तरफ वो किसानों ने धरना दिया था तो वो वापस करे थे प्रधानमंत्री जी ने, और लिखित में दिया था 5 मुद्दे और थे। MSP पे गारंटी कानून, जो सभी जिनसों पे गारंटी कानून बनाने का, फुराल पे जो इन्होंने कानून बनाया था जलाने पे उसे खत्म करने का, और केस वापिस जो मुकदमे लगे थे किसानों पे उसे वापिस करने का, ऐसे 5 मांगे इन्होंने सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिख के दे रखी थी। तो अभी तक 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक यानी इन्होंने यानी वो वापस नहीं करे, तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति को आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं उपजिला अधिकारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से और जिला अधिकारी के माध्यम से, पूरे देश के अंदर से आज ज्ञापन जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे जसपुर क्षेत्र में भी हमारे किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पर ये ज्ञापन देने का काम करा है। किसान मोर्चा की कॉल पे दिया गया है, पूरे देश भर में किसान आज अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारी मांगे वही पुरानी मांगे हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है आंदोलन के वक्त, जो हमारा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहा था, जो सरकार ने हमसे वादे करके और हमसे वो आंदोलन स्थगित करवाया था, सरकार ने अभी तक वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर के किसान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और सरकार को जगाने का।